दुनिया में इस वक्त मुसलमान ही वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपने पास अल्लाह का कलाम रखते हैं और फिर भी उसकी बरकतों और बेहद हिसाब नेमतों से महरूम हैं। कुरान उनके पास इसलिए भेजा गया था कि इसको पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अमल करें और उसको लेकर खुदा की ज़मीन पर खुदा के कानून की हुकूमत कायम कर दे। वो उनको इज्जत और ताकत बख्शने आया था, वो उन्हें ज़मीन पर खुदा का असली खलीफा बनाने आया था और तारीख गवाह है कि जब उन्होंने उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया तो उसने उनको दुनिया का इमाम और पेशवा बनाकर भी दिखा दिया। मगर अब उनके यहाँ इसका मसरफ इसके सिवा कुछ नहीं रहा कि घर में उसको रख कर जिन भूत भगाएं, उसकी आयतों को लिखकर गले में बांधें और घोल कर पिए और महज सवाब के लिए बेसमझे बूझे पढ़ लिया करें। अब ये उससे अपनी ज़िंदगी के मामलों में हिदायत नहीं मांगते, उससे नहीं पूछते कि हमारे अकायद क्या होने चाहिए, हमारे आमाल क्या होने चाहिए, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हम लेन देन किस तरह करें, दोस्ती और दुश्मनी में किस कानून की पाबंदी करें, खुदा के बंदों के और ख़ुद अपने नफ्स के हुकूक हम पर क्या हैं और उन्हें हम किस तरह अदा करें, हमारे लिए हक क्या है और बातिल क्या, इताअत हमें किसकी करनी चाहिए और नाफरमानी किसकी, ताल्लुक़ किससे रखना चाहिए और किससे न रखना चाहिए, हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, हमारे लिए इज्जत और फलाह और नफ़ा किस चीज़ में है, जिल्लत और नामुरादी और नुकसान किस चीज़ में, ये सारी बातें अब मुसलमानों ने कुरान से पूछनी छोड़ दी हैं। अब ये काफिरों और मुशरिकों से, गुमराह और खुदगर्ज लोगों से और ख़ुद अपने नफ्स के शैतान से इन बातों को पूछते हैं और इन्हीं के कहे पर चलते हैं। इसलिए खुदा को छोड़कर दूसरों के हुक्म पर चलने का जो अंजाम होना चाहिए वही उनका हुआ। कुरान तो खैर का सर चश्मा है, जितनी और जैसी खैर तुम उससे मांगोगे ये तुम्हें देगा। तुम इसे महज जिन भूत भगाना और खांसी बुखार का इलाज और मुकदमे की कामयाबी और नौकरी का हुसूल और ऐसी ही छोटी जलील वो बेहकीकत चीज़ें मांगते हो तो यही तुम्हें मिलेगी। अगर दुनिया की बादशाही और वे ज़मीन की हुकूमत मांगोगे तो वो भी मिलेगी, और अगर अर्शे इलाही के करीब पहुंचना चाहोगे तो ये तुम्हें वहाँ भी पहुंचा देगा। ये तुम्हारे अपने ज़र्फ़ की बात है कि समंदर से पानी की दो बूंदें मांगते हो, वरना समंदर तो दरिया बख्शने के लिए भी तैयार है। जो सितम ज़रीफियाँ हमारे मुसलमान अल्लाह की इस किताब पाक के साथ करते हैं वो इस कदर मज़ाक़ा अंगेज़ हैं कि अगर ये ख़ुद किसी दूसरे मामले में किसी शख्स को ऐसी हरकतें करते देखें तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, बल्कि इसको पागल करार देगी। बताइए, अगर कोई शख्स हकीम से नुस्खा लिखवा कर लाए और उसे कपड़े में लपेट कर गले में बांध ले या उसे पानी में घुल कर पी जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या आपको इस पर हंसी नहीं आएगी और आप उसे बेवकूफ़ ना समझेंगे? मगर सबसे बड़े हकीम ने आपके अमराज के लिए शिफा और रहमत का जो बेनज़ीर नुस्खा लिख कर दिया है उसके साथ आपकी आँखों के सामने रात दिन यही सुलूक हो रहा है और किसी को इस पर हंसी नहीं आती। कोई नहीं सोचता कि नुस्खा गले में लटकाने और घोलकर पीने की चीज़ नहीं, बल्कि इसलिए होता है कि उसकी हिदायत के मुताबिक दवा इस्तेमाल की जाए। बताइए, अगर कोई शख्स बीमार हो और इल्मे तिब की कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाए और यह ख्याल करे कि महज इस किताब को पढ़ लेने से ही बीमारी दूर हो जाएगी तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप ना कहेंगे कि भेजो इसे पागल खाने में, उसका दिमाग ख़राब हो गया है? मगर शाफी मतलक ने जो किताब आपके अमराज का इलाज करने के लिए भेजी है उसके साथ आपका यही बर्ताव है। आप उसको पढ़ते हैं और ये ख्याल करते हैं कि बस उसके पढ़ लेने ही से तमाम अमराज दूर हो जाएंगे, उसकी हिदायत पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, ना उन चीज़ों से परहेज़ की ज़रूरत है जिनको ये मुज़िर बता रही हैं। फिर आप ख़ुद अपने ऊपर भी वही हुक्म क्यों नहीं लगाते जो उस शख्स पर लगाते हैं जो बीमारी दूर करने के लिए सिर्फ इल्मे तिब की किताब पढ़ लेने को ही काफ़ी समझता है? आपके पास अगर कोई ख़त ऐसी ज़बान में आता है
जिसे आप न जानते हो, तो आप दौड़े हुए जाते हैं कि उस जबान के जानने वाले से उसका मतलब पूछें। जब तक आप उसका मतलब नहीं जान लेते, आपको चैन नहीं आता। ये मामूली कारोबार के खतूत के साथ आपका बर्ताव है, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसों का फ़ायदा होता है। मगर खुदावंद आलम का जो ख़त आपके पास आया हुआ है और जिसमें आपके लिए दीन और दुनिया के तमाम फ़ायदे हैं, उसे आप अपने पास यूं ही रख छोड़ते हैं। इसका मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं होती। क्या यह हैरत और ताज्जुब का मकाम नहीं? ये बातें मैं हंसी दिल लगी के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप उन बातों पर गौर करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दुनिया में सबसे बढ़कर जुल्म अल्लाह की उस किताब पाक के साथ हो रहा है। और ये जुल्म करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और इस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं।